दादी आपकी चाय ठंडी हो रही है, पी लीजिए ना। पीता हूँ पीता हूँ। एक बार संडे का पेपर मिल जाए तो भूख प्यास सब भूल जाते हैं। अभी की नहीं, जब से स्कूल में पढ़ाते थे तब से इनकी आदत है ये। ओहो, कम से कम संडे को तो चैन से अखबार पढ़ने दिया करो। देखिए शायद बच्चे आ गए। नमस्ते बेटा। लो। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। पढ़ो। वो रखो, पेपर रखो। खुद पेपर में घुसे रहते हो और बच्चों की आदतें बिगाड़ रहे हो। प्रेम चाचा कहाँ हैं? अंदर का। क्या दोनों की ट्यूनिंग है? ये मेरी बच्चा पार्टी आ गई। कैसी है मेरी बच्चा पार्टी? ठीक है। लाइए। क्या? अरे तुम लोगों की चॉकलेट। I'm sorry, मैं आज भूल गया। कैसे भूल गए? आपको तो पता है हम हर संडे यहाँ आते हैं। हाँ वो तो मुझे मालूम है। ऐसा करते हैं कि आज जब मैं ऑफिस से वापस आऊँगा ना तो चॉकलेट लेकर आऊँगा। ओके, तब तक तुम दोनों ऐसा करो कि इससे काम चलाओ। I love you, चाचा। हाँ बहुत चालू हो तुम दोनों। अभी तक चॉकलेट नहीं मिली थी तो चाचा को कोई पूछ भी नहीं रहा था। अभी चॉकलेट मिल गई तो आई लव यू चाचा। अगर चॉकलेट नहीं लाता तभी भी चलता था। पर आप गुस्से मत होइए। ए तुम दोनों से कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। जाओ अंदर जाओ। थैंक यू, बाय। माँ माँ जरा चाय दे दो, ऑफिस के लिए देरी हो रही है। कमाल करते हो प्रेम तुम भी। हम लोग संडे को यहाँ पर आते हैं कि हाँ। कम से कम एक दिन हफ्ते में एक दिन तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाए, पर तुम तो संडे को भी ऑफिस जाते हो। भैया क्या करूं, अगर काम नहीं करूंगा तो गाड़ी कैसे चलेगी। हाँ ये बात भी ठीक है। ये बंदा राहुल कहाँ है, नजर नहीं आ रहा है। काम धंधा तो कुछ करता नहीं, दिन भर आवारागर्दी करता रहता है दोस्तों के साथ। सो रहा होगा, मिटा रहा होगा थकान अपनी हफ्ते भर की। डैड आप ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? देखिए कोई उल्टी सीधी नौकरी लेकर फ्रस्ट्रेट होने से ज़्यादा अच्छा है कि कोई अच्छी नौकरी का इंतज़ार करे। उसने LLB किया है, कोई लायक नौकरी भी तो मिलनी चाहिए उसे। आप भी ना डैड। एनीवे भैया मैं चलता हूँ, देर हो रही है। बाय माँ। बाय भाभी। अच्छा डैड। अरे प्रेम एक मिनट बेटा रुकना ज़रा, मुझे तुमसे बात करनी। ये प्रेम बहुत काम करता है ना माँ। हाँ अभी करो। घर की सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रहा है। एक बार हम अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ संभालने लगेंगे तो मुझे चैन आ जाएगा। अर्चना और प्रेम की शादी हो जाए तो। माँ माँ मेरी शादी तो नहीं आप करवा पाई, प्रेम की क्या करवाओगी? मेरे लिए भी लड़की मुझे खुद को ही ढूंढनी पड़ी। बहू को पहले से ही पसंद करके रखा था और अब बातें बना रहे। वाह। अच्छा माँ तुम ही बताओ तुम्हें कैसी बहू चाहिए प्रेम के लिए? जिसकी आंखों में शर्म हो, जिसके कदमों में लक्ष्मी का निवास हो, जो बड़ों की इज्जत करना जानती हो और भगवान को मानती हो, वो मेरे इस घर में मेरी बेटी बनकर आए। जब वो इस घर में प्रवेश करे तब दुनिया की सारी खुशी अपनी आंचल में समेट कर लाए। अरे आंचल। जी भैया। तुम यहां हो? मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी पूजा अभी खत्म नहीं हुई होगी। मैं पूजा करी थी, भगवान की खुशामद नहीं करी थी। यही तो गड़बड़ है, खुशामद नहीं करती हो फिर भी बिन मांगे भगवान तुम्हारी हर बात पूरी कर देते। ए, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। ओए ओए एक मिनट हीरो, मेरी बारी है। पिछली गेम में जो हुआ सो हुआ, इस गेम में चीटिंग नहीं चलने वाली। राहुल चाचू आप जब भी आने वाले होते हो ना
तब चीटिंग का ब्लेम मुझ पे ही डालती हो। दीदी दीदी से क्या बोल रहा है, ये तो तुझसे भी ज्यादा सयानी है। ओहो आर्ची बुआ, आप तो जैसे जलेबी की तरह सीधी हैं। बस 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 बहुत हो गया, दो घंटे से तुम लोगों की झिकझिक सुन रहा हूँ मैं। दो गेम तो खेल चुके हो, अब मुझे भी चांस दो ना, मेरी भी तो छुट्टियां हैं। पापा आप तो पढ़ते हुए अच्छे लगते हो, अगर दादी जी ने हमें आपके साथ खेलते देख लिया तो कहेंगी राजेश तू भी बच्चे के साथ बच्चा बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो दादी की तारीफ हो रही है। चलो चलो दूध पियो, चलो क्या ना दादी माँ, वो ये ना वो ना, चलो दूध पियो, चलो दादी माँ ये गेम तो खत्म हो जाने दीजिए। नहीं हाँ। नहीं खेलते खेलते भी दूध पी सकते हो, चलो मेरा अच्छा बच्चा पियो चलो। ये क्या आज प्रेम वापस रुमाल भूल गया, क्या लड़का है। वो जल्दी में था माँ, कह रहा था कुछ अर्जेंट मीटिंग है, उसने जाना पड़ा उसे। आजकल ये लड़के को हुआ क्या है, अपनी छोड़ के सारी दुनिया की फिक्र रहती है उसे। हाँ माँ मैं जानता हूँ माँ, प्रेम को सबकी चिंता लगी रहती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर वही तो उठा रहा है। बड़ा भाई होने के बावजूद मुझे जो कुछ करना चाहिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई नो एहसास है मुझे इस बात का। ऐसा क्यों कह रहा? क्या माँ सही कह रहा हूँ मैं, राहुल कुछ नहीं कर रहा, अर्चना की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, मैं नहीं जानता सब कुछ। सच कह रहा है बेटा, एक बार कोई ढंग का लड़का मिल जाए ना तो इसके हाथ पीले कर दूं मैं। क्यों माँ, किसको लाल पीला करने की सोच रहे हो आप? चुप रहे, हर वक्त मजाक सोचता रहता है। हमने तो पेपर में एड भी दी है लेकिन कहीं से जवाब ही नहीं आया। हाँ तो चिट्ठियों के क्या पर होते हैं जो ऐसे ही आ जाएंगे। और वैसे भी मेरे ख्याल से माँ आपने गलती की है कि एड के साथ इसकी फोटो छपा दी, अब फोटो देख के तो कोई डर ही जाएगा ना। और वैसे भी माँ गलती से समझो, अगर अर्चना की शादी हो भी जाए तो मेरा काम कौन करेगा, मेरे जूते कौन पॉलिश करेगा, मेरे सॉक्स कौन धोएगा? चुप रे, तू भी क्या हंसता रहता है। बच्चे चाचू ये इतने सारे लेटर्स किसके हैं? बस तुम लोग अभी अंदर जाओ, हमें काम करने दो। ओके चलो 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 कम ऑन। क्या हुआ भाई, हंस क्यों रहा है, पढ़ तो सही। लिखने वाले हैं झुमरी तलैया से पोपट राम चौरसिया, उम्र 45 साल। ओह गॉड, अभी तक कुंवारे हैं, कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। नहीं मिली थी। ट्रक चलाते हैं लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं है, ट्रक अपना है। अरे तुझे तो 2-4 लाख की गाड़ी वाली की उम्मीद थी, इसके पास तो 10 लाख का ट्रक है। कर लो मजाक कर लो, देख लेना एक दिन मुझे 25 लाख की मर्सिडीज वाला मिलेगा। दूसरी चिट्ठी, हाँ तो नाम है सुमित कुमार, उम्र 24 साल, और बैठो और किसी प्राइवेट फर्म में नौकरी करता है। नौकरी? अब जो लिखा है वही कह रहा हूँ ना। और नौकरी करने वाले इंसान नहीं होते क्या? नहीं भैया मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी यू नो नौकरी। चिट्ठियाँ कब आई सब? इतनी सारी आई है, एक भी काम का नहीं है। देखो कितना सुंदर लड़का है ये, इसकी जोड़ी खूब जमेगी अर्चना के साथ, सुंदर है, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी भी है। मम्मा किसी बंधी बंधाई तनख्वाह वाले के साथ मुझे क्यों बांधना चाहती हो जिंदगी भर, मेरे लिए कोई और अच्छा लड़का नहीं मिल सकता क्या? देखो अर्चना, अच्छे भले का फैसला करने वाली तुम कौन होती हो, तुम्हारे लिए क्या कोई आसमान से राजकुमार उतरने वाला है? जिंदगी भर ऐसे ही रिश्ते ठुकराती रहोगी ना तो कुंवारी बैठी रहोगी। और हम लोग क्या तुम्हारा बुरा चाहेंगे? मैं ये कब कह रही हूँ भैया, लेकिन लेकिन मेरी भी तो रजामंदी होनी चाहिए ना। आओ भैया आओ, आओ अंदर आ जाओ, इनसे मिलो, ये हमारी होम मिनिस्टर, मेरी पत्नी गायत्री। नमस्ते। ये मेरे बड़े बेटे राजेश। नमस्ते। ये हमारी बेटी अर्चना, और ये हमारे सबसे छोटे राहुल। नमस्ते। आपका परिचय? ये विश्वजीत जी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। हा? रास्ते में हमारे घर का पता पूछते हुए मिल गए, दरअसल ये अपनी बहन का रिश्ता लेकर आए हैं हमारे प्रेम के लिए। प्रेम के लिए? हाँ आइए ना। आइए 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 जी, आप प्लीज आइए बैठिए। धन्यवाद। बैठिए। हमारे पंडित जी ने आप लोगों के बारे में मुझे बताया। अच्छा, तो अच्छा। मैंने सोचा कि आके आपसे मिल लेता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी बहन को इस घर की बहू स्वीकार किया तो मैं तो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। अब अपनी बहन के बारे में क्या कहूँ,
लेकिन मेरी बहन बहुत सुंदर है, सुशील है, और उसने वकालत की डिग्री भी हासिल की है। यहीं कोर्ट में प्रैक्टिस करती है वो। एक लड़की में इतने गुण, बड़ी अच्छी बात है। क्यों? हाँ हाँ अच्छी बात है, लेकिन एक बार प्रेम की राय तो ले लेती। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। समय तो बदल गया है, अब जब तक लड़का लड़की एक दूसरे से मिल ना लें, बातचीत ना हो, तब तक तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो किसी रोज आप प्रेम बाबू को लेकर हमारे घर बता रही। हाँ आएंगे ना, जरूर आएंगे हम। ठीक है, तो फिर मैं आज्ञा लेता हूँ। प्रिंसिपल साहब के पास मेरा पता है, मैंने दे दिया था। अरे भाई मैं प्रिंसिपल अब कहाँ हूँ, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ। अरे सर आप नौकरी से रिटायर हुए, ओहदे से तो नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। चाय चाय लेते नहीं 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 धन्यवाद, मैं चलता हूँ। प्रेम तूने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बेटा। किस सवाल का जवाब माँ? वही, तेरी शादी के बाद। माँ मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। मगर क्यों? तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है बेटे, और हर माँ बाप की इच्छा होती है उनका बेटा जवान होगा, घर में बहू आएगी। तुम हमारी इच्छा पूरी नहीं करना चाहते या जिम्मेदारी से भाग रहे हो? डैड अगर मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा होता तो अब तक शादी कर चुका होता। लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग? घर पर जवान बहन है और मैं अपनी शादी करने निकला हूं। मां एक बार अर्चना की शादी हो गई ना, उसके बाद आप लोग जहां कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं। लेकिन उसकी शादी कैसे हो सकती है? उसे तो कोई लड़का ही पसंद नहीं आ रहा है, हर रिश्ते को वो ठुकरा रही है। भगवान जाने उसके भाग्य में क्या लिखा, हम तो उसे समझा समझा कर हार गए। बेटे शादी ब्याह संजोग की बात होती है, जोड़ी जहां बननी होती है बन जाती है। मेरे ख्याल में इस लड़की को एक नजर देखने में कोई बुराई नहीं। हाँ बेटा एक बार देख तो लो। हाँ माँ मैंने ये सोच रखा था कि जब तक अर्चना की शादी नहीं हो जाती मैं इस बारे में कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं लड़की जाकर एक बार देखाऊं तो ऐसा ही सही। तो मैं विश्वजीत जी के यहाँ खबर भिजवा दूं कि हम लड़की देखने आ रहे हैं। हाँ माँ। सुन लिया तूने, प्रेम भैया को तेरा कितना ख्याल है। माँ और डैड हमारे बारे में जो भी सोचते हैं सही सोचते हैं। गायत्री, ओहो गायत्री। क्या हुआ? अरे कितनी देर लगा दी? आपके साथ यही दिक्कत है, सबसे पहले आप तैयार होते हो और बच्चों की तरह मचलने लगते हो रहे हैं ना सब तैयार, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे जल्दी क्यों, कैसे नहीं है, कितना टाइम हो गया। हम लोग चले। ये रुमाल, रुमाल। ओके थैंक यू। एक मिनट। हाँ क्या हुआ? नहीं। क्या? अरे क्या? ओफो कहाँ ले जा रही है? मुझे तू मेरी बात तो सुन। अर्चना तुम भी ना मुझे। ओफो क्या हुआ? Just look at yourself. क्या हुआ? अरे भैया आज के दिन तो थोड़ा ढंग से तैयार होके जाओ ना। अरे भाई इंसान जिस तरह से नजर आता है बिल्कुल उसी तरह से तो दिखता है। कभी कभी आप ऑफिस जाते समय भी ज्यादा हैंडसम लगते हो। तो अभी इस वक्त मैं क्या टाई पहन लो? तुम भी ना अर्चना कभी कभी उल्टी सीधी बातें करने लग जाती। मामा क्या हुआ, जरा समझाओ ना भैया को। जब वो कह रही है। अरे मामा इसके चक्कर में मत रहो, इसका बस चले ना मुझे दूल्हा बना के घोड़ी पे बैठा के सीधे शादी के लिए रवाना कर दे। हाँ नहीं बस हो गया। हो गया मतलब? मतलब तुम तैयार हो गई? हाँ अच्छी लग रही ना मैं? नहीं अच्छी तो लग रही हो लेकिन कमॉन भैया मैं अपनी पूरी जिंदगी बन सवर कर थोड़ी रहने वाली हूँ। जैसे मैं आगे जाके दिखने वाली हूँ अगर मैं वैसी ही रहूँ तो उसमें हर्ज क्या है? आपसे तो बहस करना ही बेवकूफी का काम होता है। तू क्या कहना चाह रही है, घुमा फिरा के बात क्यों कर रही है? जो भी कहना है साफ साफ कहना।
आप ये मत कहना कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आप प्राइवेट फर्म में काम करते हो, आपकी कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, आप जाते हो तो समय पर हो लेकिन आने का कोई समय नहीं है, आप संडे को काम करते हो, आप क्यों तुम्हें क्यों हंसी आ रही है भाई? सॉरी भैया। अरे भाई एकदम ठीक ही तो कह रही है कि हमें सच्चाई बता देनी चाहिए, कल कोई ये तो नहीं कहेगा कि हमने सच्चाई छुपाई थी। हैं? वकीलों की तरह सवाल मत करने लग जाना कि क्या काम करते हो, क्यों करते हो, कब करते हो और लड़कियां कितनी देखी, क्यों रिजेक्ट की वगैरह। भैया प्लीज, मैं वुमेन्स लिबरेशन आर्मी की वर्कर थोड़ी हूँ कि वहाँ पर मोर्चा लेकर जाऊंगी मैं। मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि जिससे मेरी शादी होने वाली है उसके साथ मेरी मेंटल वेवलेंथ मैच करे, बस। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानती हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मेरी बहन जहाँ भी जाएगी वहाँ अपने प्यार, संस्कार और सम्मान से सबका दिल जीत लेगी। गायत्री, अरे अब चलो भी, वक्त का एहसास ही नहीं इन लोगों को। आ रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं आप? जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाने बैठ गए थे वैसे ही सब समझाने बैठ गए। चलो जल्दी चलो चलो। अरे यार, द बेस्ट, द बेस्ट। आप लोगों को यहाँ आते हुए कोई तकलीफ नहीं हुई ना? जी नहीं। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं बस अभी आया। ये विश्वजीत जी करते क्या हैं? उपन्यासकार हैं, नॉवलिस्ट। माँ बाप घर में है नहीं। अच्छा। ये दोनों भाई बहन ही इस घर में रहते हैं। माँ जी, सरस्वती का उपासक हूँ और सरस्वती और संस्कार एक दूसरे से दूर तो ही ना हो सकते हैं। लीजिए प्लीज। प्रेम, थैंक यू। आप ये तकलीफ क्यों कर रहे हैं? सर मैंने कहा ना, सरस्वती का उपासक हूँ। अब लिहाजा हमारे घर में लक्ष्मी के साधन कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत घर का काम होता है, भाई बहन खुद ही कर लेते हैं। तो ये सारा काम आपके बहन से ही करवा लिया होता? आजकल का इस समय का दस्तूर तो यही कहता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। विश्वजीत जी, आप आंचल को बुलाइए, ये सब तो होता रहेगा। जी जी, बस अभी लीजिए ना, ये काम तो हम अपनी बहू से ही करवा लेंगे। बहुत अच्छा, मैं अभी आया। माँ, तुम अभी से उसे अपनी बहू क्यों बुला रही? अभी वो तुम्हारी बहू कहाँ बनी? और मैंने उसे अपनी बहू बना लिया तो? माँ जी का ये कहना है कि वो ये शरबत सिर्फ अपनी बहू के हाथों से ही पियेंगे। लीजिए माँ जी। आंचल, तुम्हारे भाई साहब ये कहते हैं कि ये सरस्वती के उपासक हैं, इसलिए इनके पास लक्ष्मी नहीं है। तुम इस बारे में क्या सोचती हो? माँ जी, मैं समझती हूँ कि लक्ष्मी लाख कोशिशों के बावजूद भी ज्ञान पाने में असफल हो सकती है, पर अगर सरस्वती एक बार ठान लेना तो वो अपनी एक ही हरकत से ढेर सारा धन पा ले, वो भी अपने मन में पैसों की हवस के बगैर। वाह बेटी वाह वाह। विश्वजीत जी, हमें एक ऐसी ही बहू की कामना है। अच्छा, प्रेम को अपना घर नहीं दिखाओगी? हाँ हाँ प्रेम, जाओ बेटा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.